आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चार फैक्टर्स हैं जिनसे ना रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। वायर जितना लंबा होगा ना उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितनी छोटी लेंथ होगी उतना क्या होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आगे देखेंगे इसे। सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखो ये जो है ना ये मान लो वायर है, वायर का जो मोटाई जो होती है पूरा जो एरिया होता है ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस पेन को हम एक वायर मानते हैं तो ये जो मोटाई है ना इसकी, ये जो पूरा है ये क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा अगर ये सर, क्योंकि वायर जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कुलर एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का ना रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर का थोड़ा ज़्यादा होगा, आयरन का और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। पहला इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ डबल होगी ना तो रेजिस्टेंस डबल होगा, अगर लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हाफ होगा, लेंथ अगर फोर टाइम्स होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा फोर टाइम्स होगा। द लेंथ इज डबल रेजिस्टेंस गेट्स डबल, इफ द लेंथ इज हाफ रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। ऐसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर कहेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है तो ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा तो वन अपॉन ए। ठीक है, यानी कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एरिया अगर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ, अगर एरिया फोर टाइम्स हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वन बाई फोर टाइम्स, अगर एरिया वन बाई टू हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इफ एरिया इज डबल रेजिस्टेंस गेट्स हाफ, यहाँ टू ए की जगह टू ए लिख दो देखो वन बाई टू आ जाएगा ना रेजिस्टेंस। अगर ये वन बाई टू हो जाए, वन बाई ए बाई टू हो जाए तो टू पर पहुंच जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा टू टाइम्स। किसी भी सर्कल का एरिया क्या तो पाई आर स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस ना रेडियस पर भी डिपेंड करेगा इसकी, तो कैसे डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर रेडियस को डबल करोगे तो टू का स्क्वायर क्या जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा वन बाई फोर, क्योंकि टू का स्क्वायर यहीं नीचे आएगा ना तो वन बाई फोर रेजिस्टेंस बिकम्स वन बाई फोर। ऐसे ही डायमीटर, अगर डायमीटर डबल करोगे तो भाई देखो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो यानी कि वन बाई फोर रेजिस्टेंस बिकम्स वन बाई फोर। ये वाला जो पॉइंट है ना ये ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी जब हम रेजिस्टिविटी पढ़ लेंगे, एक टर्म आएगी रेजिस्टिविटी, उसे पढ़ने के बाद फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक दिन पूरे दिन इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा।